Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is regarding suspensions of members of parliament from Rajya Sabha. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian Polity point of view. sabse pehle current news samajhte hain to dekho देखो, राज्यसभा के आठ MPs को suspend कर दिया गया है for their unruly behaviour in the house. राज्यसभा के अंदर इन्होंने बहुत इस तरह के unruly untoward behaviour दिखाया. और देखो आपको तो पता ही है कि फार्मर्स बिल को लेकर के कितना प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे इंडिया भर में और फार्मर्स बिल जब लोकसभा में पास हो गया फिर इसको जब राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा के कुछ अपोजिशन मेंबर्स उन्होंने काफ़ी वोसी फेरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करना शुरू किया प्रोटेस्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट थोड़ा वायलेंट भी हो गया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाउ द सिटिंग वाइस चेयरमैन ऑफ़ राज्यसभा उनके ऊपर किस तरीके से ये लोग कोई पेपर फेंक रहा है तो कोई उन किसी ने उनका माइक खींच दिया तो लोग फिजिकली थ्रेटेन कर रहे थे जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू साहब उनका स्टेटमेंट एज इट इज़ मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है ही सेड दैट मेंबर्स थ्री पेपर्स रिंचड माइक्स अवे फ़िजिकली थ्रेटेंड डिप्टी चेयरमैन हरवंश सिंह एंड इवन अब्यूज हिम तो ये सब अनरूली रूली अन टूवर्ड इंसिडेंट्स हुए हैं राज्यसभा में जिस कारण से इन सारे मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है फॉर कमिंग टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ मॉनसून सेशन तो जितना भी मॉनसून सेशन में टाइम फ्रेम बचा है जितने भी सेशन बचे हुए हैं मॉनसून सेशन के अंदर उन सब के लिए इन आठ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया यानी कि ये लोग आने वाले मॉनसून सेशन में राज्यसभा के मीटिंग्स को सेशंस को अटेंड नहीं कर सकते तो ये जो आठ मेंबर्स हैं इनका नाम याद करना आपको ज़रूरी नहीं है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बस आप ये देख लो ये सब अपोजिशन लीडर्स हैं जो फार्म बिल पे सरकार को प्रोटेस्ट कर रहे थे इस पॉलिसी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब ज़रा समझते हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से सस्पेंड करने के लिए क्या प्रोसीजर है तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात की जाए तो अंडर आर्टिकल 118 एटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि जो दोनों हाउसेज़ हैं पार्लियामेंट के लोकसभा एंड राज्यसभा दे कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू कंडक्ट इट्स बिजनेस यानी कि उनको अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए अपनी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए जो कुछ भी रूल्स बनाने की ज़रूरत है वो रूल्स वो बना सकते हैं अपने अपने रूल्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो लोकसभा और राज्यसभा ने तमाम रूल्स बनाए हैं अपने लिए अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए उसमें उन्होंने इससे रिलेटेड भी रूल्स बनाया है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का अनरूली बिहेवियर दिखाता है तो उसको कैसे रोका जाए कैसे उसको सस्पेंड किया जाए उससे रिलेटेड भी रूल्स इन्होंने बनाया है जो पावर्स उनको मिले हैं अंडर आर्टिकल एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंतर्गत तो देखो आर्टिकल हंड्रेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरल उनको पावर देता है लोकसभा और राज्यसभा को कि अपने आ, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए अपनी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए जो कुछ भी रूल बनाना है वो बना सकते हैं तो मेंबर्स के अनरूली बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए लोकसभा ने रूल्स बनाए हैं रूल नंबर 333 थर्टी थ्री थ्री एंड रूल नंबर थ्री सेवेंटी फोर यह दो रूल हैं लोकसभा के स्पेशली टू कंट्रोल द अनरूली वैसे ही राज्यसभा का एक रूल है रूल नंबर टू फिफ्टी फाइव इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अनरूली बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जरा यह दोनों रूल देख भी लेते हैं रूल नंबर थ्री सेवेंटी थ्री के हिसाब से जो तो स्पीकर ऑफ लोकसभा किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उस पर्टिकुलर दिन के सीटिंग से सस्पेंड कर सकते हैं कि यानी कि आप इस दिन की सीटिंग में अगर मान लो कोई किसी एक दिन कोई लोकसभा का सेशन चल रहा है और उसमें किसी एक मेंबर ने इस तरह का अनरूली बिहेवियर दिखाया तो उस दिन के सीटिंग से उनको हटा दिया जा सकता है रिमूव किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर थ्री and this is power this power to remove the member from the sitting of that particular day lies with the speaker of Lok Sabha वैसे ही under the rule number 374 speaker को power है कि वो उस member को जो unruly behaviour दिखा रहा है उसको पूरे session के लिए suspend कर दे यानी कि पूरा का पूरा session आपको पता generaly parliament के तीन session होते हैं बजट सेशन मानसून सेशन या विंटर सेशन तो किसी भी सेशन में अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी इस लोकसभा में वो मेंबर अनरूली बिहेवियर दिखा रहा है तो रूल नंबर थ्री सेवेंटी फोर के हिसाब से जो स्पीकर हैं लोकसभा के उसको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा को सस्पेंशन का पावर अंडर और रूल नंबर 255 ऑफ़ राज्यसभा लेकिन अब इसको जरा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चेयरमैन ऑफ़ राज्यसभा के पास पावर है अंडर रूल नंबर 255 टू रिमूव अ मेंबर फॉर रिमेंडर ऑफ द डे ओनली यानी कि जिस तरह का पावर आर्टिकल रूल uh, नंबर 373 में मिलता है लोकसभा के स्पीकर को कि उस दिन के सेटिंग से हटा सकते हैं वैसे ही पावर मिलता है राज्यसभा के चेयरमैन को उस दिन के सिटिंग से हटाने का पूरे के पूरे सेशन से, से सस्पेंड करने का पावर राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं है अनलाइक द स्पीकर द राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव पावर टू तो सस्पेंड अ मेंबर फॉर कमिंग सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड करने का पावर राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं है जैसा कि राज्यसभा लोकसभा के अंदर स्पीकर को मिल जाता है अंडर रूल नंबर थ्री सेवेंटी फोर अब देखो ये जो आठ मेंबर्स जिनको सस्पेंड किया गया है राज्यसभा से वो लोग पार्लियामेंट के लॉन के बाहर इस तरह से धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ और एग्रीकल्चर बिल के खिलाफ अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इन लोगों को जब राज्यसभा के अंदर चेयरमैन को राज्यसभा के मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को सस्पेंशन का पावर है ही नहीं आप देखना आपने देखा कि रूल नंबर टू फिफ्टी फाइव बस उनको एक दिन के लिए रिमूव करने का पावर देता है पूरे सेशन से सस्पेंड करने का पावर है ही नहीं तो आखिर इस पर्टिकुलर केस में इन आठ लोगों को पूरे अपकमिंग मॉनसून सेशन के लिए कौन से ग्राउंड पे सस्पेंड किया गया है दिस इज़ द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज दैट इफ़ द राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव पावर टू सस्पेंड द the ऑफ द पार्लियामेंट देन हाउ इन दिस पर्टिकुलर केस दीज these members were सस्पेंडेड और जब ये सवाल पूछा गया राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू साहब से कि आप बताएं कि जब चेयरमैन को पावर है नहीं तो इनको सस्पेंड कैसे किया आपने आप एटमैक्स इनको एक दिन के लिए हटा सकते थे आपने पूरे के पूरे सेशन से, से कैसे इनको सस्पेंड किया तो वेंकैया नायडू साहब ने कहा कि एक स्पेशल मोशन पास किया है सरकार ने गवर्नमेंट ने उस स्पेशल मोशन के हिसाब से इन लोगों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस तरह का कोई भी स्पेशल मोशन का कोई जिक्र है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सरकार एक स्पेशल मोशन पास करके मेंबर्स को सस्पेंड कर सकती है फॉर अपकमिंग और रिमेनिंग पीरियड ऑफ द सेशन ऑफ अ राज्यसभा ऐसा कोई जिक्र है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इस कारण से अब अपोजिशन लीडर्स क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच अपनाया है हैबर्स ऑफ राज्यसभा को सस्पेंड कराने के लिए जो स्पेशल मोशन का हवाला दिया जा रहा है कि जिसके बेसिस पे इनको सस्पेंड किया गया है फॉर द रिमेनिंग सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा वो सही नहीं है इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल एटमैक्स इनको चेयरमैन सस्पेंड कर सकते थे फॉर रिमेनिंग डे इनको पूरे के पूरे सेशन के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता था द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ एलिफेंट्स इन बोट्स वाना दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखो इससे रिलेटेड आर्टिकल मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ जहाँ मैंने आपको बताया कि ये बोट्सवाना जो कंट्री है ये अफ्रीका के अंदर ये बोट्सवाना कंट्री एक लैंड लॉकड कंट्री है इसके पास इस कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे एक डेल्टा है इनलैंड डेल्टा है ओकवानगो डेल्टा इस ओकवानगो डेल्टा के आसपास बहुत सारे एलिफेंट्स रहते हैं इनमें से लगभग 300 ऐसे एलिफेंट्स हैं जिनकी सडन डेथ हो गई आप देख सकते हैं उनका इमेज भी हमने आपके साथ शेयर किया है तो सडनली मैनी एलिफेंट्स डाइड इन दिस एरिया और ये मिस्टीरियस डेथ का कारण नहीं पता चल पा रहा था और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इनकी हंटिंग हुई है पोचिंग हुई है क्योंकि इनके जो टस्क होते हैं मेनली जिस कारण से एलिफेंट्स की हंटिंग की जाती है वो टस्क निकाले नहीं गए थे तो एक बात तो तय थी कि इनकी डेथ हंटिंग के कारण नहीं हुई है लेकिन काफ़ी टाइम तक दो तीन महीनों से पता नहीं चल पा रहा था द रीज़न बिहाइंड देयर डेथ लेकिन अब आज का न्यूज़ आर्टिकल ये है वेयर द आर्टिकल एक्सप्लेन्स द रीज़न बिहाइंड दिस मास डेथ अब साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है कि इन एलिफेंट्स की डेथ क्यों हो रही है तो साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो एरिया है ओकवांगो डेल्टा उसके आसपास का जो वाटर बॉडी है उसमें साइनोबैक्टीरिया एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है ये साइनोबैक्टीरिया की नंबर्स या पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है और इस साइनोबैक्टीरिया के कारण ये आसपास का पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है और जिसको पीने के कारण इन एलिफेंट्स की डेथ हो रही है साइनोबैक्टीरिया के बारे में ज़रा समझ लेते हैं साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्रू ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं पानी के ऊपर देखते होंगे ग्रीन ग्रीन या ब्लू कलर का जो काई जैसा मटेरियल लग जाता है उसको हम लोग एलगी कहते हैं वो साइनोबैक्टीरिया अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो पानी को वो टॉक्सिक बना देता है जहरीला बना देता है दिस साइनोबैक्टीरियाज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन ऑल काइंडस ऑफ वाटर बॉडी और प्रॉब्लम ये है कि इसको जितना ज़्यादा सनलाइट मिलता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है इसका नंबर उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है और ये वार्म वाटर में ज़्यादा रहता है और देखो सारे के सारे साइनोबैक्टीरियाज टॉक्सिक uh, नहीं होते हैं सब के सब टॉक्सिक नहीं होते हैं. लेकिन कुछ एक साइनोबैक्टीरियाज टॉक्सिक होते हैं अनदे रिलीज पॉइजनस मटीरियल्स पॉइजनस केमिकल नॉन एज न्यूरो और इस पर्टिकुलर केस में जो साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर डेवलप हुए हैं वो इस तरह के पॉइजनस साइनोबैक्टीरिया थे जिन्होंने पॉइजनस मटेरियल रिलीज़ किया न्यूरोटॉक्सिन जिसको कंज्यूम करने के बाद इन एलिफेंट्स की डेथ होने लगी अब सवाल ये उठता है कि इस एरिया में साइनोबैक्टीरिया की ज़्यादा ग्रोथ हुई क्यों इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है तो पहले ही जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन There is a chance of growth of cyanobacteria in that water body. That is always a chance. और अब बात ये निकल के आ रही है कि जो अफ्रीका का ये जो सऊदन अफ्रीका वाला साइड है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको बनाया ही इसी पर्पज से गया है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो टाइम टू टाइम रिलीज करते रहे दुनिया भर के सरकारों के सामने जिसके बेसिस पे दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रूल्स कन्वेंशन बना सके तो इस आई ने अपने डेटा कलेक्शन के बेसिस पे बताया है कि जो साउथ अफ्रीका वाला ये जो सदर्न अफ्रीका वाला एरिया है बोटसवाना और उसके आसपास का एरिया यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है इनफैक्ट इन्होंने बताया कि सदर्न अफ्रीकाज टेम्परेचर आर राइजिंग एट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज तो जितना बाकी दुनिया भर में जिस रेट से टेम्परेचर राइज़ हो रहा है उसका दुगने रेट से इस एरिया में टेम्परेचर राइज़ हो रहा है और इस कारण से मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ पर इस तरह के साइनोबैक्टीरियाज़ के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सिंस इस एरिया में ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा है और इस कारण से यहाँ पर साइनोबैक्टीरियाज़ का ग्रोथ ज़्यादा हो गया और ये साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये पॉइजनस टाइप के थे न्यूरो रिलीज कर रहे थे और इस कारण से इन एलिफेंट्स की डेथ होने लगी अब इसका आप एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी देख लो देखो हो सकता है हमसे फिल्म में डायरेक्ट सवाल कुछ पूछ ले मेंस में अगर कभी भी क्लाइमेट चेंज का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे सवाल आ जाए कि इन्वायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज तो आप इसको जिक्र कर सकते हैं यू कैन राइज दैट यू कैन राइट दैट सडन मास डेथ ऑफ एलिफेंट्स नियर ओकवांगो डेल्टा इन बोट्स वन इज एसोसिएटेड टू द क्लाइमेट चेंज एबरब क्लाइमेट चेंज हैपनिंग इन एरियाज अराउंड साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू आई पी सी सी डाटा द एरियाज अराउंड साउदर्न अफ्रीका रीजन इज गेटिंग एट द रेट ट्वाइस विथ respect टू ग्लोबल एवरेज तो इस तरीके से आप इस पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं अगर कोई सवाल आ जाए ग्लोबल वार्मिंग पे तो आप ये करेंट एग्जाम्पल मैंसन करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ दे रखा आप इसको attempt कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया IPCC के बारे में मैंने जिक्र किया था तो आई के बेसिस पे यहाँ पे मैंने सवाल दिया है उसके लिए यहाँ पर मैंने हिंट्स भी आपको दे दिया आप आई पी सी हिंट्स को पढ़ के इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं द नेक्सट टॉपिक इज टेकन फ्राम इकोनॉमी सेगमेंट इट इज़ अबाउट एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंसड फॉर सिक्स क्रॉप्स बाई द गवर्नमेंट दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेलेबस पेपर फोर इंडियन इकनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू सो देखो सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है क्या देखो एम एस पी इज द रेट एट विच द गर्मेंट बाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स द गवर्नमेंट अनाउंसेज एम एस पी बिफोर द सोइंग सीजन फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप सरल शब्दों में बोलें तो देखो अगर फार्मर कोई भी क्रॉप उगा रहा है तो उसके मन में हमेशा ये डाउट बना रहेगा अनप्रडिक्टिबिलिटी बनी रहेगी कि ये मैं क्रॉप उगा तो रहा हूँ लेकिन मार्केट में ये क्रॉप बिकेगा या नहीं बिकेगा तो इस अनप्रडिक्टिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए नाइनटीन सिक्सटीज़ में ही आज से लगभग 60 साल पहले ही भारत सरकार ये एमएसपी का स्कीम लेकर के आई जिसमें भारत सरकार एमएसपी की स्कीम के अंतर्गत सोइंग सीजन में ही जब आ, सो किया जाता है सीड डाला जाता है जिसको हम लोग बुआई का सीजन कहते हैं बोइंग बोआई के सीजन के टाइम में ही फार्मर्स के लिए भारत सरकार एम एस पी अनाउंस कर देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि भारत सरकार कह रही है कि अगर किसी ने भी नहीं ख़रीदा आपका ये फूड क्रॉप तो हम खरीद लेंगे इस प्राइस पे तो यानी कि सोइंग सीजन में ही एडवांस में ही भारत सरकार अनाउंस कर देती है कि अगर किसी ने भी आपका क्रॉप नहीं खरीदा तो हम खरीद लेंगे एम एस पी पे दिस इज़ एम एस पी स्कीम सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम कि आपको प्राइस की गारंटी हो गई कि इससे कम में तो मेरा फूड क्रॉप ये नहीं बिक रहा फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रॉप ए की सोइंग कर रहे हैं तो उस टाइम में ही भारत सरकार अनाउंस कर देती है कि इस क्रॉप ए को हम खरीदेंगे आठ रुपीज़ फिफ्टी पर के जी तो फार्मर्स को एक बात की गारंटी हो जाती है कि अब कुछ हो ना हो कम से कम पचास रुपये पर के जी में तो ज़रूर बिक जाएगा मेरा क्रॉप अगर महंगा बिकता है मार्केट में तो और भी अच्छा 55 मिल जाए 60 मिल जाए वेल एंड गुड लेकिन किसी भी हालत में मुझे पचास रुपये पर के जी तो मिल ही जाएगा सो एम एस पी इज अ काइंड ऑफ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम इट ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिमूव्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर अब करेंट न्यूज़ क्या है भारत सरकार ने सिक्स राबी क्रॉप्स के लिए राबी क्रॉप्स का सोइंग सीजन आ रहा है अभी जैसे राबी क्रॉप जैसे वीट चना मसूर मस्टर्ड जवार सफ्लॉर इनका सोइंग सीजन आ रहा है तो इन सब के लिए भारत सरकार ने एम अनाउंस किया है अब ये अनाउंसमेंट में नई बात क्या है इस साल इस अनाउंसमेंट में सिग्निफिकेंट दो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है एक तो नॉर्मली एमएसपी अनाउंस करती है भारत सरकार राबी क्रॉप्स के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लेकिन इस साल भारत सरकार ने लगभग एक महीने एडवांस में ही एम अनाउंस कर दिया इन राबी क्रॉप्स के लिए और इन सारे राबी क्रॉप्स के लिए उन्होंने एम को इंक्रीज़ भी किया है सो दिस ईयर द एम एस पी ऑन दीज राबी क्रॉप्स हैव बीन अनाउंसड वन मंथ इन एडवांस प्लस देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एम एस पी ऑफ दीज राबी क्रॉप्स ये दोनों पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझते हैं देखो आपको पता ही है कि देश के अंदर बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल बिल्स किसान कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल बिल को लाकर के भारत सरकार धीरे धीरे एम को ख़त्म करना चाहती है फार्मर्स आर बींग मिसलेड दैट एम एस पी ऑन क्रॉप्स विल बी स्लोली रिमूव बाय द गवर्नमेंट आफ्टर ब्रिंगिंग दिस फार्म बिल्स तो भारत सरकार इस एम एस पी के अनाउंसमेंट के जरिए एक तरह का मैसेज देना चाहती है हमारे फार्मर्स को कि देखो हम एम को ख़त्म नहीं कर रहे हैं उल्टा हम एम तो बढ़ाते जा रहे हैं साल दर साल इसीलिए जल्दी से जल्दी भारत सरकार ने वैसे तो नॉर्मली एक महीने बाद अनाउंस करना चाहिए रैबी क्रॉप का लेकिन भारत सरकार ने अभी अनाउंस कर दिया सो द टाइमिंग इज सिग्निफिकेंट अभी जब प्रोटेस्ट काफ़ी हाइट पे चल रहा है तो फार्मर्स को एक इंडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है कि देखो हम एम खत्म नहीं कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड वी आर इंक्रीजिंग ओवरऑल एम ऑन राबी क्रॉप्स एंड वी विल ऑल्सो इंक्रीज एम ऑन खारीफ क्रॉप्स उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पेशल मैसेज भी रिलीज किया है फार्मर्स के लिए ये मैसेज स्प्रेड होना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि फार्मर्स को मिसलीड किया जा रहा है ये जो बिल्स हैं ये फार्मर्स के वेलफेयर के लिए उनको एक्स्ट्रा ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए हैं लेकिन फार्मर्स को बहकाया जा रहा है और फार्मर्स को मिसगाइड करके उनसे प्रोटेस्ट कराया जा रहा है जबकि ये बिल का अगर इंप्लीमेंटेशन हो तो फार्मर्स को फ़ायदा होगा फार्मर्स विल गेट एडिशनल ऑप्शन लेकिन फार्मर्स को क्या मिसगाइड किया जा रहा है कि फार्म बिल इज़ ए कॉन्स्परेसी टू डिनाई एम लेकिन सच्चाई तो यह है कि फार्म बिल हैज़ नथिंग टू डू विथ एम एस पी एम एस पी अपने आप आप में एक अलग चीज़ है एंड एम एस पी विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर ऑल्सो यही स्टेटमेंट यही मैसेज रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फार्मर्स को बोला जा रहा है कि धीरे धीरे मंडी सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने मैसेज में कहा है कि मंडी भी कंटिन्यू रहेगा हर चीज़ चलेगी जैसे पहले से चलती आ रही है फार्मर्स को बोला जा रहा है कि दिस फार्म बिल इज एंटी फार्मर फार्मर्स का ओवरऑल इससे नुकसान होगा लेकिन ऐसा कुछ भी है ही नहीं पता नहीं किस ग्राउंड पे फार्मर्स को कन्विंस किया जा रहा है कि इससे नुकसान होगा फार्मर्स को तो बस एक एडिशनल ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप चाहें तो मैं तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आप चाहें तो डायरेक्ट भी सेल कर सकते नहीं तो मंडी में भी सेल कर सकते हैं बट हाउ द अपोजिशन लीडर्स और इंटायर सो मैनी मिडिल मैन जिनको अधतियास कहते हैं हम लोग उन लोगों ने कैसे पूरे फार्मर्स को मोबिलाइज़ कर दिया दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं ये और ये इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रॉबल पी टी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एपीएससी फिल्म टूडे विल कवर टॉपिक नंबर थर्टी सेवन टू थर्टी नाइन टॉपिक नंबर थर्टी सेवन इज अबाउट फिल्म फेयर अवार्ड्स सिक्सटी फिफ्थ फेयर अवार्ड वॉज हेल्ड इन गुवाहाटी ऑन फिफ्टीन फेरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी द अवार्ड फंक्शन वॉज कंडक्टेड एट इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अवार्ड्स वेयर कंडक्टेड आउटसाइड मुंबई ये पहली बार ये अवार्ड मुंबई के बाहर कंडक्ट कराया गया है अदरवाइज अभी तक ये पिछले साठ सालों से ये फिल्म फेयर अवार्ड बस मुंबई में ही होता था पहली बार मुंबई शहर से बाहर ये हुआ है थर्टी एट टॉपिक नंबर थर्टी एट इज अबाउट सब रीजनल कॉपरेशन ऑन बिम्स्टिक एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इन परस्पेक्टिव दिस सेमिनार ये एक इंडिया लेवल का सेमिनार है दिस वॉज कंडक्टेड बाई आई टी गुहाटी इनिट्स कैंपस हो सकता है आपसे सीधा सीधा पूछ ले एग्जाम में कि जो सब रीजनल कॉपरेशन और बिमस्टिक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सेमिनार था ये कहाँ कराया गया था या किस आई ने कराया था टॉपिक नंबर थर्टी नाइन इज अबाउट कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज़। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेंगाल फ्लोरिका एंड एशियन एलिफेंट वी आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल वन ऑफ कन्वेसन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज इन थर्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट वॉज हेल्ड इन इंडिया दिस ईयर शेड्यूल वन में उन स्पेसीज को रखा जाता है जिनको हाइएस्ट प्रोटेक्शन दी जाए थर्टीथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज एन एन्वायरमेंटल ट्रिटी अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड इज़ और और ये इस साल ये जो थर्टीन कॉन्फ्रेंस था ऑफ कन्वेंसन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज़ वो इस साल कराया गया है इन गांधी नगर इन गुजरात फ्रॉम सेवेंटीन टू ट्वेंटी सेकेंड फेबररी तो इस साल ये इंडिया में हुआ है इसलिए मुझे उम्मीद है कि यू पी एस में ए में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ट ऑन टॉपिक नंबर थर्टी दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स दट वेट गविविन यस्ट डेजेज़ न्यूज़ पेपर एनिसिस टूडेज क्वेश्चन कैन भी एटम्टेड बाई स्टूडेंट यू कैन सबिट आंसर इन दमेंट सेक्शन वी विल भी सेरिंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन टुमोरोज न्यूज़ पेपर एनालिसिस कल के जो दो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उनको हम लोग अटेक अटैम्प्ट कर लेते हैं उनके आंसर देख लेते हैं विच ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर ट्रू आ सेलेक्ट पार्लियामेंट्री कमीटी इंक्लूड्स मेबर्स फ्राम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में मेबर्स फ्राम बोहोत हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं उसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट था ऑल द थ्री ऑडिट रिपोर्ट इज समिटेड बाई द सी ए जी इज एग्जामिन बाई पी एस सी येटमेंट भी गलत है क्योंकि दो ऑडिट रिपोर्ट पी एस सी स्टडी करता है जबकि जो तीसरा रिपोर्ट है वो कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टडी करती है तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है कल ही हमने देखा था सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी नन ऑफ द अबोव जो दूसरा क्वेश्चन था द फेमस डव ऑफ पीस पोर्ट्रेट ऑफ कोर्स इट वॉज ड्रॉन बाय पिकासो कल ही हमने देखा था दर्ट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग